एक टूटे हुए दिल को बैंडेड से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन शुक्र है कि छोटे घाव को जोड़ा जा सकता है। लेकिन हमारे शरीर में इतना रक्त है, कुछ नया कुछ पुराना। शरीर इस सारे रक्त का प्रबंधन और नियंत्रण कैसे करता है, आज हम इस प्रक्रिया के परिवहन का पता लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर कोई मिनी ट्रक ना हो जो सारा खून आगे पीछे ले जाए। हमारे शरीर के भीतर निर्दिष्ट वाहिकाओं में रक्त प्रवाहित होता है, जिन्हें रक्त वाहिकाएं कहते हैं। आइए हम विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिकाओं की संरचना और कार्यों को समझें, अर्थात धमनियां, केशिकाएं और शिराएं। मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है। ये प्रभावी रूप से कार्य करता है क्योंकि ये रक्त वाहिकाओं के जाल से जुड़ा होता है। शिराएं विशिष्ट रक्त वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय तक वापस ले जाती हैं, जबकि धमनियां रक्त को हृदय से दूर ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं। शरीर की सबसे प्रमुख धमनी महाधमनी है। इसका व्यास 2.1 सेंटीमीटर से कम है और इनकी पेशीय भित्ति 2 मिलीमीटर मोटी है। महाधमनी शाखाएं अनेक धमनियां बनाती हैं। ये धमनियां शरीर के ऊतकों में निहित नलिकाओं का एक जटिल जाल बनाती हैं। ये शरीर के अंदर बड़ी दूरी तक रक्त को हृदय से दूर ले जाने में मदद करती है। धमनी का एक काट अपनी लचीली भित्ति दर्शाता है जो रक्त प्रवाह के दौरान बनने वाले उच्च दाब को सहन करने में मदद करता है। धमनी की भित्ति 3 अलग अलग परतों से बनी होती है। सबसे बाहरी कोशिकाओं की एक पतली लचीली सुरक्षात्मक परत होती है। इसके बाद मध्य परत है जो दीर्घ तरकु आकार की पेशीय कोशिकाओं और प्रत्यास्थ तंतुओं की उपस्थिति को दर्शाती है। ये पेशी कोशिकाएं और प्रत्यास्थ तंतु धमनी को इसके अंदर बहने वाले रक्त के अत्यधिक दाब का सामना करने में मदद करते हैं। इस पेशीय परत के भीतर हमें सघन रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की एक परत मिलती है जो एक जिक्सो पहेली के टुकड़ों की तरह पूरी तरह से फिट होती है। ये परतें मिलकर मजबूत धमनी भित्ति बनाती हैं, जो रक्त प्रवाह में मदद करने के लिए उपयुक्त होती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि धमनी की भित्ति की संरचना इसके अंदर बहने वाले रक्त पर दाब को कम करने के लिए वैकल्पिक रूप से खिंचाव और शिथिल करने के लिए उपयुक्त है। इसीलिए रक्त को शरीर के रिमोट भागों तक पहुंचने में कुशलता से सहायक होती हैं। रक्त धमनियों से बहता है और अपनी शाखाओं में चला जाता है, जिसे धमनिका के रूप में जाना जाता है। ये सघन जाल की तरह दिखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाओं को रक्त से पोषक तत्वों तक पहुंच प्राप्त हो। धमनिका का एक खंड इसकी संरचना को धमनी के समान दर्शाता है। ये धमनिकाएं आगे केशिका जाल का निर्माण करती हैं। ये केशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं और इस प्रकार आरबीसी एकल फाइल में इनके माध्यम से आगे बढ़ सकती है। कोशिका में एक पतली भित्ति होती है जो कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। केशिका के अंदर बहने वाली आरबीसी ऑक्सीजन से भरपूर होती है, इसीलिए इनका रंग चमकीला लाल होता है। ये ऑक्सीजन आरबीसी से बाहर निकलती है और परिवेश के शरीर की कोशिकाओं में विसरित होती है। आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी से रक्त का विऑक्सीजनन होता है। जैसे जैसे ये विऑक्सीजनित रक्त आगे बहता है, पतली भित्ति वाली केशिकाएं आपस में जुड़कर बड़ी रक्त वाहिकाओं का निर्माण करती है, जिसे शिरिका कहा जाता है, जो आगे जाकर बड़ी रक्त वाहिकाओं का निर्माण करती है, जिन्हें शिराएं कहा जाता है। यहाँ से रक्त को वापस हृदय में ले जाया जाता है। धमनी की तरह शिरा भित्ति भी 3 परतों से बनी होती है। यहाँ हम कोशिकाओं की सबसे बाहरी लचीली परत देखते हैं।
पेशीय कोशिकाओं से बनी एक मध्य परत, लेकिन धमनी में देखी गई तुलना में बहुत पतली और दृढ़ता से व्यवस्थित कोशिकाओं की एक आंतरिक परत। तीन परतों के साथ शिरा में एक विशिष्ट संरचना होती है जिसे शिरिका कपाट कहा जाता है, जो धमनियों में अनुपस्थित होता है। ये कपाट ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि रक्त केवल एक दिशा में अर्थात हृदय की ओर बहे और गतिवाह को रोकता है। आइए सारांश देखें। हम जानते हैं कि दाब के अंतर्गत रक्त प्रवाह का सामना करने के लिए धमनियों में मोटी भित्ति होती है, केशिकाएं एकल परत होती हैं, जबकि शिराओं में तीन परत वाली भित्तियां होती हैं और विशिष्ट शिरिका कपाट रक्त के एकल दिशात्मक प्रवाह की अनुमति देते हैं। खैर, वे मेरे विचार से ट्रकों के बिना ठीक से कार्य कर रहे हैं। सभी विभिन्न प्रकार के पथ विभिन्न प्रकार के रक्त को सभी सही स्थानों पर ले जाते हैं। हृदय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? सुनिश्चित कीजिए। Keep imbibing. We believe in you.